हे गाइस, तो ये मैंने बनाया है मिल्क केक, जो कि घर पे ये मार्केट में मिलती है वैसे मिठाई, बट मैंने सोचा क्यों ना इसे घर पे ट्राई किया जाए। तो मैंने ये वीडियो जो है यूट्यूब में देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ट्राई की जाए। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा 1 लीटर दूध बच गया था, तो इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। तो हमें इसे इतना उबालना है कि ये मतलब आधा हो जाए। तो इसे हमें स्टर करते रहना है, अदरवाइज़ ये नीचे लग जाएगा तले में और वो फिर बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो इसे हमें एकदम हिलाते रहना है जब तक ये दूध बिल्कुल आधा ना हो जाए। तो यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो रही, तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहता है कि इस दूध को हमें क्या करना, फाड़ना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू, तो इसका मैंने अच्छे से रस निकाल लिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इस नींबू को इसके ऊपर इसके हल्के से छींटे मार दूँगी। तो पहले मैंने यही करा, मैंने इसके छींटे मारे, बट ये क्या हुआ ना, फटा नहीं, जैसे फटता है वैसा फटा। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने और नींबू लिया, उसके बाद मैंने जितना नींबू मेरे पास बचा था वो मैंने सारा डाल दिया और यहाँ पे फटना शुरू हो गया, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में। फिर ये ना थोड़ा सा ऐसा हो गया था, फिर इसको मैंने खूब पकाया, मतलब थोड़ा सा पानी पानी जैसा हो गया था, बट इसे मैंने बहुत ज़्यादा पकाया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, मैंने इसे बहुत पकाया जब तक इसका जो पानी है एकदम अच्छे से सूख ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना होता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी डाली, तो चीनी ना हमें थोड़े थोड़े करके डालनी है, ये नहीं कि हम एक साथ डालें। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच डाले हैं। उसके बाद मैं इसे अच्छे से इसमें मेल्ट करूँगी। उसके बाद फिर हम अगर हमें लगता है कि हमारी चीनी कम हो रही है तो इसमें फिर हम और ऐड करेंगे। तो मैंने ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करी थी क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद उतना, तो मैंने कम ही ऐड करी थी। तो यहाँ पे मैंने फिर इसको और ज़्यादा पकाया जब तक इसकी जो चीनी है वो घुल ना जाए। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा जो केक है ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब मैं इसमें नेक्स्ट स्टेप है मेरा कि इसमें घी डालूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 चम्मच इसमें घी डाले थे और इसको भी हमें अच्छे से हिलाना है और तब तक पकाना है जब तक ये जो वो है हमारा घी ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हल्के से बबल्स आ रहे हैं ऊपर को, तो इट मीन्स हमारा केक जो है ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। उसके बाद मैंने एक बर्तन लिया, उस पर मैंने घी को चारों तरफ से ब्रश की मदद से ग्रीस कर लिया ताकि अब जो मैं इसमें केक डालूँ तो वो चिपके ना बेस पे। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने केक को मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस केक को हम सेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको आगे। तो गाइस, फाइनली मेरा मिल्क केक रेडी हो चुका है जो कि मैंने घर पे बनाया है और ये खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी हो रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो अगर आप लोगों के घर में भी दूध बचता है तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। तब तक के लिए बाय बाय।